हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। टुडे वी सी चैप्टर फर्स्ट, सूरदास ऑफ 10th क्लास हिंदी। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर फर्स्ट सूरदास का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यस्य निहित हैं? इसका आंसर देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है, यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यवान है, ठीक है। उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यवान भाग्यहीन है, ठीक है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं, ठीक है। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले, ठीक है। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण में क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, ठीक है। तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम के सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है, ठीक है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। फर्स्ट नंबर भी हमें दिया गया है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से, ठीक है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के ऊपरी सतह पर ही रहता है, ठीक है। जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर, ठीक है। उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर मटके की भांति है, जिस पर जल की बूंद भी टिक नहीं पाती है, ठीक है। जिस पर जल की बूंद भी जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है, इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम प्रबंधन से सर्वथा मुक्त हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, ठीक है। कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता है, यह अत्यंत अरुचिकर है, ठीक है। यह अत्यंत अरुचिकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी, ठीक है। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, ठीक है। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं, ठीक है।
प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वधा मुक्त रहे, ठीक है, वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वधा मुक्त रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उद्धव दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वीरहाग्री में घी का काम कैसे किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वीरहाग्री में घी का काम कैसे किया है, इसका आंसर देखते हैं। गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी, ठीक है, गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूब गई थी, ठीक है। गोपियाँ अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूब गई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके वीरों को समझेंगे, ठीक है। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके वीरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे, ठीक है, उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है, ठीक है, परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनकी वीरह के दुख का, ठीक है, बल्कि कृष्ण का योग संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं, ठीक है, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। वीरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधन करने का उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में जल रही वीरहाग्रि में घी का काम कर उसे और प्रचलित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा मर ज़्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है, ठीक है। प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक है, भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई वियोग को सहन कर रही थी, ठीक है, वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई, ठीक है। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम का मर्यादा है, ठीक है, प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया, इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका आंसर देखते हैं। गोपियां रात दिन सोते जागते श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती है, ठीक है, गोपियां रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को
गोपियों ने चींटियों और हरिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। ठीक है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हरिल के लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। ठीक है, उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं, उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती है। ठीक है, जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती हैं। हरिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। ठीक है, जो हमेशा अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है। ठीक है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है। उसी तरह गोपियों ने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, इसका आंसर देखते हैं। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। ठीक है, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां और मन उनके बस में नहीं होते हैं। ठीक है, गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होता है, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गोपियां मन व इंद्रियां से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित है, इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें, इसका आंसर आ जाएगा। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को निरस व्यर्थ और अवांछित मानती थी। ठीक है, निरस व्यर्थ और अवांछित मानती थी। गोपियों के दृष्ट में योग उस कड़वी लकड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं, कि उनके विचार के योग एक ऐसा रोग है, जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होता है, जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता है। ठीक है, जिन लोगों का मन चंचल होता है और इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसका आंसर देख लेते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना, तथा राज धर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। ठीक है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है, इसका आंसर देख लेते हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विधान हो गए हैं। ठीक है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विधान हो गए। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे। ठीक है, उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे। ठीक है,
भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए। ठीक है, अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। ठीक है, छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया। ठीक है, श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती है। ठीक है, श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुआ। इन्हीं परिवर्तन को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएँ लिखी है, इसका आंसर आ जाएगा गोपियां बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती है। ठीक है, गोपियां बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालंब के द्वारा चुप करा देती हैं। ठीक है, गोपियां उद्धव को अपने उपालंब के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमगीत को मुख्य विशेषताएं बताइए, इसका आंसर आ जाएगा भ्रमगीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है भ्रमरगीत एक भाव प्रधान गीत काव्य है। ठीक है, भ्रमरगीत एक भाव प्रधान गीत काव्य है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। थर्ड पॉइंट भी दिया गया है, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण और ब्रह्मा का खंडन किया है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। भ्रम गीत में उपलम्भ की प्रधानता है। भ्रम गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भाव की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। ठीक है,